अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10.3 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारे पास, साइन थीटा माइनस कोस थ्री थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू, हम लेफ्ट साइड लेके सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए? टू। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि साइन थ्री थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा बाई कॉस थीटा, तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। जी एलसीएम क्या है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए साइन कैंसिल हो जाता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यानी कि साइन डिवाइड करें एलसीएम पे तो साइन कैंसिल हो जाता है, कॉस रिमेनिंग है, कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थ्री थीटा कॉस थीटा माइनस, इसी तरह कॉस कैंसल हो जाएगा साइन, तो ये बन जाता है आपके पास कॉस थ्री थीटा साइन थीटा। तो दोबारा देख लीजिए, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, साइन थ्री थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थ्री थीटा साइन थीटा। तो देखिए साइन कॉस कॉस साइन क्या होता है हमारे पास? साइन थ्री थीटा माइनस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए हमने जो फॉर्मूला लगाया है वो कौन सा है जी? आपने लगाया साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये बनता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है साइन टू थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास साइन टू थीटा क्या होता है जी? ओपन करें, डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर्मूला है, टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो आपके पास देखें साइन से साइन कैंसल, कॉस थीटा से कॉस कैंसल, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बनता है? टू, जो कि हमारी क्या है? राइट हैंड साइड है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन 11 हमारे पास सेम एज इट है, थोड़ी सी चेंजिंग है। कॉस थ्री थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थ्री थीटा बाई साइन थीटा। तो हम यहां पर भी क्या ले लेते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है कॉस थ्री थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थ्री थीटा बाई साइन थीटा। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं जी। तो एलसीएम हमारे पास बनता है साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस कैंसल हो जाएगा, साइन उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाता है आपके पास साइन थीटा कॉस थ्री थीटा साइन कैंसल। तो हमारे पास साइन कैंसल हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन कॉस कॉस साइन, तो ये बन जाता है कॉस थीटा साइन थ्री थीटा। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाता है साइन थ्री थीटा। तो हम इसको अगर वाइंड अप करते हैं तो हमारे पास बन जाता है साइन थीटा प्लस थ्री थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। आइए हम आपको बताते हैं दोबारा फॉर्मूला, कि आपके पास सेम एज इट यही फॉर्मूला पड़ा है, थोड़ा चेंज है इसका, कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर ये प्लस है तो यहां पर क्या आएगा? प्लस। तो इसी तरह ये बन जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास ये बन जाता है साइन फोर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इसको टू से मल्टीप्लाई कर दें और टू से ही डिवाइड कर दें, तो ये बन जाता है टू। अब ये जो पड़ा आपके पास, इसको आप लिख सकते हैं साइन टू इंटू टू थीटा। जो नीचे आ रहा है आपके पास, ये आपके पास डबल एंगल फार्मूला है, तो ये आप लिख सकते हैं साइन टू टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास
ये जो टू साइन कॉस पड़ा इसको हम साइन टू थीटा लिख सकते हैं जी। अब आपको ये भी पता है साइन टू थीटा, थीटा यहां पर हमारे पास क्या है टू थीटा, यानी कि हम इसको थीटा पढ़ते हुए लिख सकते हैं टू इंटू टू साइन टू थीटा कॉस टू थीटा बाई साइन टू थीटा। तो यहां से देखें तो साइन टू थीटा कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बन जाएगा टू टू जा फोर, टू टू जा फोर कॉस टू थीटा। इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है टेंजेंट थीटा बाय टू प्लस कोटेंजेंट थीटा बाय टू ओवर कोटेंजेंट थीटा बाय टू माइनस टेंजेंट थीटा बाय टू इज इक्वल टू सेकेंट थीटा। हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। जी टेंजेंट क्या होता है हमारे पास साइन थीटा बाय टू ओवर कॉस थीटा बाय टू प्लस कोटेंजेंट जो होता है वो हमारे पास होता है कॉस थीटा बाय टू ओवर साइन थीटा बाय टू। सेम एज इट हमारे पास ये क्या बन जाएगा कोटेंजेंट जो है कॉस थीटा बाय टू ओवर साइन थीटा बाय टू माइनस टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा बाय टू ओवर कॉस थीटा बाय टू। तो हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। क्या लेते हैं जी एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास क्या बनता है साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। ये हम डिनोमिनेटर का हम ले रहे हैं एलसीएम तो कॉस कैंसिल हो जाएगा साइन, साइन क्या बन जाएगा साइन दो दफा आ रहा है साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू प्लस। तो अब ये साइन कैंसिल हो जाएगा कॉस और कॉस टू टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब है कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू। अब आप डिनोमिनेटर के भी अलग से एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम भी क्या बनता है आपके पास साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू। तो साइन कैंसल कॉस, कॉस दो दफा आ रहा है तो ये बन जाता है कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। अगर अब आप देखें तो आपके पास ये क्या बन रहा है आपके पास ये बन जाता है देखें साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू साइन स्क्वेयर समथिंग प्लस कॉस स्क्वेयर समथिंग वन होता है तो ये बन जाता है वन बाय साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू मल्टीप्लाई नीचे वाली टर्म जो है इसको आप उल्टा के लिख दें तो ये बन जाता है साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू बाई कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। तो यहां से आपके पास ये वाली टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी तो रिमेनिंग टर्म क्या बन रही है वन बाई कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। आइए हम कुछ फॉर्मूला बताते हैं आपको कि आपके पास साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू वन होता है कब जब यहां पर एंगल क्या आ जाए सेम चाहे वो हाफ एंगल हो चाहे वो डबल एंगल हो चाहे सिंगल एंगल हो हमारे पास क्या बन जाता है वन। अब हम बात करते हैं कॉस स्क्वेयर थीटा। हमें मालूम है कि हमारे पास जो कॉस टू थीटा होता है वो क्या होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। अगर हम एंगल को हाफ कर लेते हैं किस तरह टू एंगल जितना भी पड़ा जहां भी थीटा आ रहा है उसका हम ले लेते हैं हाफ तो ये बन जाता है आपके पास ये टू और टू कैंसल इसका मतलब कॉस थीटा क्या बन गया कॉस स्क्वेयर थीटा बाय टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं कॉस थीटा यानी कि वन बाई कॉस थीटा और ये बन गया हमारे पास रेसिप्रोकल होता है सिकेंट। तो इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड बन गई सिकेंट थीटा।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो देखें इसका एलसीएम हमारे पास क्या बनता है, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस कैंसल तो साइन, तो ये बन जाता है आपके पास साइन 3 थीटा, साइन थीटा साइन कैंसल तो कॉस, तो ये बन जाता है आपके पास कॉस 3 थीटा कॉस थीटा। थोड़ा इसको रीअरेंज कर लें तो आपके पास ये बन जाएगा कॉस 3 थीटा कॉस थीटा साइन 3 थीटा साइन थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। आइए अब हम बताते हैं फॉर्मूला किस तरह लिखा है हमने। जी आपके पास होता है साइन, सॉरी हम ले रहे हैं कॉस का, तो हमारे पास क्या होता है जी कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। तो देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो आप इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास बनता है कॉस 2 थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। मैं क्या चाहिए 2 कोटेंजेंट 2 थीटा, इसका मतलब यह है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो 2 cos 2 थीटा। जो नीचे पड़ा है ये आपके पास डबल एंगल फार्मूला है जो के आपके पास होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये आप इसको वाइंड अप करके लिख दें साइन 2 थीटा 2 cos ओवर साइन क्या होता है कोटेंजेंट, एंगल कितना आ रहा है 2 थीटा। तो इस तरह हमारे पास राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 10.3 रिड्यूस साइन 4 साइन रेस्ट पावर 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेस्ट टू द फर्स्ट पावर। जी हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारे पास है जी साइन 4 थीटा। हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर होल स्क्वेयर। अब देखिए साइन हमारे पास क्या होता है, हमने हाफ एंगल पढ़े हुए हैं तो देखिए उनके मुताबिक हमारे पास क्या बनता है जी साइन, साइन हाफ एंगल पढ़ा हुआ है आपने जो के आपके पास 1 माइनस cos थीटा बाई 2 होता है। तो आप इसका सबसे पहले स्क्वेयर खत्म करें तो स्क्वेयर इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos थीटा बाई 2। तो आप यहां पर क्या करें 2 से मल्टीप्लाई कर दें इधर भी तो ये हमारे पास क्या बन जाता है डबल हो जाएगा, ये कैंसल हो क्या बन जाता है साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये बन जाता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। सिमिलरली हमारे पास अगर ये निकाल लगा लेते हैं तो कॉस स्क्वेयर क्या बन जाता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। याद रखिएगा साइन स्क्वेयर में माइनस होता है कॉस स्क्वेयर में प्लस होता है, इन्हीं फार्मूलाज की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2 क्या है हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होल स्क्वेयर। तो आप क्या करेंगे इसको ओपन कर दें 1 a² - 2 ab + b² cos² 2 थीटा बाई 4, यानी के डिनोमिनेटर का अलग स्क्वेयर डिनोमिनेटर का अलग स्क्वेयर 2 का 4 हो जाएगा, ये a - b a² + b² - 2 ab, तो ये बन जाता है 1/4 जी 1 - 2 cos 2 थीटा + cos² 2 थीटा। क्या होता है हमारे पास cos² 2 थीटा हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा हम इसको डबल कर देते हैं तो ये बन जाता है 1 + cos 4 थीटा बाई 2, एंगल
थीटा था हमने टू थीटा यानी कि डबल कर दिया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वन प्लस कॉस फोर थीटा बाई टू। एलसीएम ले लें तो हमारे पास क्या बनता है, एलसीएम आपके पास बन जाता है टू, और इस तरह इसका डिवाइजर वन है, इसका भी वन है, टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू फोर कॉस टू थीटा प्लस वन प्लस कॉस फोर थीटा, ये बन जाता है वन बाई एट, टू और वन थ्री माइनस फोर कॉस टू थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री माइनस फोर कॉस टू थीटा प्लस कॉस फोर थीटा बाई एट। तो इस तरह हमने रिड्यूस साइन फोर थीटा को रिड्यूस किया, तो वो मल्टीपल ऑफ थीटा जो के हमारे पास ये इसका आंसर है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए आपको इन दो हाफ एंगल्स का सहारा लेना पड़ेगा, साइन थीटा बाई टू के लिए माइनस होता है और जो कॉस के जो कॉस होता है हमारे पास उसके लिए क्या होता है, दरमियान में प्लस होता है, साइन में माइनस और कॉस में प्लस होता है। जब आपने यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा की बजाय कॉस स्क्वायर टू थीटा पुट करना था तो आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी तो वन प्लस कॉस फोर थीटा बाई टू। तो इसके बाद आपने एलसीएम लिया और टू को बाहर निकाल के मल्टीप्लाई किया और इस तरह आपका लेक्चर कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।